फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दो चार्ट पेपर यूज़ करूँगी। आपने देखा ही होगा रेपेंजल का डॉलर्स पर्पल कलर का होता है, तो मैं यहाँ पे पर्पल एंड येलो चार्ट पेपर यूज़ करूँगी और फेविकॉल यूज़ करूँगी, सीज़र, डेकोरेटिंग टेप, ट्रांसपेरेंट टेप और स्केच पेन। यहाँ पे मैं कुछ कार्डबोर्ड के पीस यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स ये मैं वॉल बनाने के लिए यूज़ करूँगी। इसकी लंबाई है 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये टोटल मैं 4 कार्डबोर्ड यूज़ करूँगी। और फ्रेंड्स ये वाला जो कार्डबोर्ड है इसकी भी लंबाई सेम 48 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये वाला कार्डबोर्ड मैं यूज़ करूँगी फ्लोर बनाने के लिए। मैं एक मंजिले का घर बनाऊँगी तो इसलिए मैं 2 कार्डबोर्ड यूज़ कर रही हूँ सेम साइज़ की। और फ्रेंड्स वो पेंसिल का डॉल हाउस बनाने के लिए टॉप बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये कुछ कार्डबोर्ड के पीस। इसकी लंबाई है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर। ये भी टोटल 4 हैं और इस कार्डबोर्ड की लंबाई है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी है 18 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये मेरी मटेरियल है रेपेंजल डॉल हाउस बनाने के लिए। फ्रेंड्स मैं इस वॉल में विंडो ड्रॉ करूँगी। फ्रेंड्स ये मैंने विंडो ड्रॉ कर ली है, अब हम इसे कट करेंगे। फ्रेंड्स ये मैंने कट कर लिया है, हो गया। तीनों में खिड़की और ड्रॉ कर लेना है और कट कर लेना है। और इस वाले कार्डबोर्ड में हमें कोई विंडो ड्रॉ नहीं करनी है। फ्रेंड्स अब हम ये वॉल्स को डेकोरेट करेंगे चार्ट पेपर से, येलो चार्ट पेपर से। फ्रेंड्स इन सब में मैंने चार्ट पेपर अप्लाई कर लिया है। अब इसके पीछे हम पर्पल चार्ट पेपर अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स इसमें मैंने पर्पल चार्ट पेपर लगा लिया है। अब हम इस आई बॉल्स को जॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हम इसे रख के जॉइंट करेंगे बॉल को। इसको टेप से हम स्टिक करेंगे। फ्रेंड्स इसमें मैंने टेप लगा लिया है। अब ऐसे हम बाकी को भी जॉइंट कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने ये अच्छे से स्टिक कर दिया टेप से। अब हम ये फ्लोर में वाइट पेज लगाएंगे। फ्रेंड्स मैंने इसमें वाइट पेज लगा लिया है दोनों में। हमारा वॉल और फ्लोर दोनों रेडी है। फ्रेंड्स ये सारे वॉल मैंने सीधे खड़े कर लिए हैं और अब हम वॉल में फ्लोर जॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स इसमें मैंने टेप लगा रखा था इसलिए इजीली मुड़ जाएंगे और इस तरह से हम नीचे टेप लगा के वॉल में फ्लोर जॉइंट कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने वॉल के साथ फ्लोर अटैच कर लिया है। अब मैं ये फर्स्ट फ्लोर वाला फ्लोर भी इसमें लगा लूँगी इस तरह से और इसे भी टेप से स्टिक कर लेंगे। फ्रेंड्स इसमें मैंने ये फ्लोर भी अटैच कर लिया है। अब हम इसमें डेकोरेटिंग टेप से डेकोरेट करेंगे। फ्रेंड्स इसमें मैंने पूरा टेप लगा लिया है, पीछे भी लगा लिया राउंड करके लास्ट तक। फ्रेंड्स डॉल हाउस का टॉप बनाने के लिए यहाँ मैं कुछ कार्डबोर्ड के पीस लूँगी, स्क्वायर और रेक्टेंगल। इसमें मैं येलो चार्ट पेपर लगा लूँगी। फ्रेंड्स इसमें मैंने येलो चार्ट पेपर लगा लिया है और इसके पीछे मैंने वाइट चार्ट पेपर लगाया है। अब फ्रेंड्स हम रेपेंजल डॉल हाउस का टॉप बनाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हम ये दो कार्डबोर्ड के पीस लेंगे और उसे इस पर जॉइंट करेंगे और ऐसे सब जॉइंट करते चले जाएंगे। फ्रेंड्स ये स्क्वायर कार्डबोर्ड के पीस को मैं नाप लेते लेते ट्रायंगल में काट ली हूँ और इन सबको मैं इस तरह से जॉइंट करके टॉप बनाऊंगी। फ्रेंड्स ये मैंने इसका टॉप रेडी कर दिया है और डेकोरेटिव टेप से डेकोरेट कर रहा है और इसके पीछे भी मैंने डेकोरेटिव टेप से डेकोरेट किया है।
फ्रेंड्स अब हम इसके आउटसाइड को डेकोरेट करेंगे। आउटसाइड में एक डोर बहुत अच्छा लुक देता है, तो अब हम डोर बनाएंगे। फ्रेंड्स डोर बनाने के लिए हम यहाँ पे पहले डोर ड्रॉ करेंगे। वाओ फ्रेंड्स हमने डोर ड्रॉ कर लिया है, अब इसे कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने डोर को कट कर लिया है और इसे कार्डबोर्ड पे चिपका दिया है, इससे 3D लुक आएगा। अब हम इसे अपने हाउस में लगाएंगे। फ्रेंड्स ये मैंने रैपेंजल डॉल हाउस में डोर लगा दिया है, अब हम इसकी विंडोज़ को डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए हम इस तरह से बनाएंगे। फ्रेंड्स मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसे कट करेंगे। फ्रेंड्स ये मैंने कट कर लिया है, अब हम इसे विंडो में डेकोरेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें लगा दिया, ये चारों विंडोज़ में लगा दिए हैं। अब हम इसमें पर्दा लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे कपड़े का टुकड़ा ले रही हूँ, हम इसे हाफ हाफ कट करेंगे। फ्रेंड्स मैंने ये क्लोथ्स को हाफ हाफ कट कर लिया है, अब हम एक हाफ वाले क्लोथ को फोल्ड करेंगे और अंदर से लगा देंगे यहाँ पे साइड पे एक तरफ। फ्रेंड्स ये मैंने इसमें पर्दा लगा दिया है, ये पीछे से भी बहुत सुंदर दिख रहा है। अब फ्रेंड्स ऐसे ही हम बाकी तीनों विंडोज़ में भी पर्दा लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पर्दा लगा दिया है और हमारी विंडोज़ भी रेडी है। फ्रेंड्स आपने रैपेंजल की मूवी में देखा ही होगा, रैपेंजल की मदर हमेशा रैपेंजल के बालों से घर के अंदर आती है और घर से बाहर जाती है। तो अब हम बनाएंगे रैपेंजल के बाल जो कि इस विंडो से नीचे गिरेंगे। फ्रेंड्स रैपेंजल के बाल बनाने के लिए हमें कुछ सामान चाहिए होंगे, जैसे कि ये फ्रेंड्स ये मैंने घर पे खुद ही बनाया है। मैंने येलो क्लॉथ को लेके उस पर सिलाई करके उसके अंदर रुई भर दी। और फ्रेंड्स ये मैंने क्लॉथ में ड्रॉ करके साइड साइड में सिलाई करके अंदर रुई भर के मैंने ये तीनों बनाए हैं। और मैंने कुछ ऐसे फ्लावर्स ड्रॉ किए हैं और ये डेकोरेटिव टेप। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे रैपेंजल के हेयर्स। फ्रेंड्स इस तरह से मैं ये तीनों को रखूँगी और एक के ऊपर एक जॉइंट करके डेकोरेटिव टेप से यहाँ पे स्टिक करूँगी। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे टेप से जॉइंट कर दिया है। अब हम जैसे सिंपल हेयर्स गुथते हैं वैसे हम ये भी गुथेंगे। फ्रेंड्स में मैंने रुई भरी थी तो इसलिए मोटा और बहुत क्यूट दिख रहा है। इस तरह से लास्ट तक गुथने के बाद फ्रेंड्स ये गुथने के बाद हम ये लेंगे और इसको यहाँ पे टेप से जॉइंट कर देंगे। फ्रेंड्स ये मैंने रैपेंजल के हेयर्स बना दिए हैं, अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए कुछ फ्लावर्स यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स ये रैपेंजल के हेयर रेडी हैं, आप देख सकते हैं फ्लावर्स लगाने से कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं ये। अब हम ये हेयर्स विंडोज़ में लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने विंडोज़ में रैपेंजल के हेयर्स लगा दिए हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। आपको रैपेंजल के हेयर्स कैसे दिख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वाह मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं रैपेंजल के हेयर्स। फ्रेंड्स मैंने डॉल हाउस बना लिया है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा डॉल हाउस कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। चलिए इसके अंदर देखते हैं। वाओ फ्रेंड्स मैंने इसमें फर्नीचर्स बना लिए हैं
और इसे एकदम अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। फ्रेंड्स इसमें ये हॉल है रैपंज़ेल की मॉम का रूम। अब हम रैपंज़ेल का रूम देखते हैं जो कि बहुत प्रीटी लग रहा है। फ्रेंड्स ये रैपंज़ेल का रूम है। फ्रेंड्स रैपंज़ेल के रूम में मैंने लाइट भी लगाया रखी है। वाओ फ्रेंड्स ये नाइट बल्ब है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। बाय बाय।